पीएम मोदी से सीएम योगी की मीटिंग ठप। डेढ़ घंटे तक पीएम के साथ चली मीटिंग। 8 बिंदुओं पर पीएम की सीएम से चर्चा। जेपी नड्डा से मिलने आवास पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम से मिलने के बाद जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो वो बड़ी चर्चा सीएम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच इस वक्त खत्म हो गई और अब सीएम योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा से मिलेंगे। तो 2022 के चुनाव को लेकर कई 8 बिंदुओं पर चर्चा की गई है। लगातार 2022 के चुनावी समीकरण बैठाने के लिए ये चर्चाओं का दौर जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, अब वो जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ 8 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। विधानसभा चुनाव से पहले लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज है। मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम योगी से उन्होंने मुलाकात की और अब जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। तो भाई इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता मार्तन जुड़ चुके हैं। मार्तन, मैं आपसे जानना चाहूंगी 2022 के चुनावी 2022 के चुनावी समीकरण बैठाने की हालांकि कोशिश तो की जा रही है, लेकिन 8 बिंदुओं की जो बात की जा रही है कि इन 8 बिंदुओं पर चर्चा हुई है, वो कौन से 8 बिंदु है जिनको लेकर इस वक्त चर्चा का दौर चला? जी देखिए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक खत्म हो चुकी है। बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले, जो खबर आ रही है, जो 8 बिंदुओं पर चर्चा हुई है उनमें मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव में जो पिछड़ा वोट वर्ग है और जो सहयोगी पार्टियां हैं उनकी नाराजगी किस तरीके से दूर की जाए, साथ ही साथ पंचायत चुनाव, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। उसके बाद अब मुख्यमंत्री निकल चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी। जाहिर तौर पर जब मुख्यमंत्री लौटेंगे तो ये तय माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा और मंत्रिमंडल विस्तार के तहत जो है सहयोगी दलों की नाराजगी दूर करने की कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी की, साथ ही साथ ऐसे चेहरों को बढ़ाने की कवायद भी अब कहा जा सकता है कि शुरू हो सकती है, जिसके तहत जैसे पिछड़ा वोट वर्गों को साधने में आसानी रहे। अभी हमने पिछले दिनों देखा कि जतिन प्रसाद को पार्टी में लाया गया, जतिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जो है इनको भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ अपना दल को लेकर जो नाराजगी की बात चल रही थी वो भी नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाएगी। अनुप्रिया पटेल के जो पति हैं आशीष पटेल, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। साथ ही साथ अरविंद शर्मा, तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, अरविंद शर्मा जब से प्रदेश की राजनीति में आया तब से अटकल लगाई जा रही थी कि इनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, तो ये तय माना जा रहा है कि उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। जी कीर्ति, बिल्कुल मार्तन, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि यूपी में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, वहीं जो आप बात करें कि कई दलों को साथ में लेके चल सकते हैं, कौन कौन से दल होने वाले हैं जिनको साथ में लेके चलने की बात इस वक्त निकल कर सामने आ रही है, कुछ इसकी जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ कई सहयोगी दल जो है उनके सरकार में है, अपना दल है और जो है कई तमाम इस तरीके के छोटे छोटे दल हैं। आपको एक कीर्ति महत्वपूर्ण बात बताएं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति इन छोटे दलों पे काफी हद तक टिकी रहती है। किसी भी पार्टी, बड़ी पार्टी को आप उठा के देख ले, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, जब चुनाव आता है तो इन्हीं छोटे दलों के सहारे जो है सत्ता की कुर्सी काबिज हासिल करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ये जो छोटी पार्टियां हैं इनका अपना वोट वर्ग होता है, जो कि जो वो वर्ग के लोग सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को वोट देते हैं और इन पार्टी में एक दो बड़े चेहरे होते हैं जिनके हिसाब से जो है वोट जो है पोलराइज होता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो इस वजह से इन पार्टियों को साथ में रखना बहुत जरूरी होता है और अभी हम देख रहे हैं कि जून की तपिश के साथ साथ राजनीति की तपिश भी जो है इस समय बहुत तेजी से बढ़ी हुई है और टेम्परेचर काफी हाई है। अगर राजनीतिक गलियारों में और सियासी गलियारों की बात करें तो वहां पे सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। तो ऐसे में 6 महीने का समय बाकी है, विधानसभा चुनाव में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव जो है आगामी दिनों में होंगे, तो कहीं ना कहीं ये पूरी जो जो पूर्वांचल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो लगातार ये भी कहा जा रहा था कि पिछड़ा वर्ग को भी साधने की कोशिश की जा रही, तो किस स्तर पर वहां पर कोशिशें दिख रही हैं? सबसे बड़ी बात ये थी कि राम अचल राजभर
जो कभी इनके सहयोगी रहे कुछ मनमुटाव हुआ जिसके बाद वो बाहर चले गए, तो उसके बाद से आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि राजभर का पूर्वांचल में अपना एक वोट वर्ग है, वहीं बात करें तो अपना दल के अनुप्रिया पटेल इनका भी अपना एक अलग वोट वर्ग है पूर्वांचल में, तो कहीं ना कहीं ये बातें भी सामने आ रही थी कि पूर्वांचल को जो है जो इन पिछड़ा वोट वर्ग हो इनको अपने साथ साधने की कोशिश होगी। रामाचल राजभर के जाने के बाद भाजपा की मुश्किलें जाहिर तौर पर 2022 को अगर देखें तो मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही थी, इस वजह से जो है इन्होंने दो राजभर चेहरा भी सामने कर दिया है, एक अनिल राजभर को। क्या ओम प्रकाश राजभर की जो कमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये साफ नजर आया, आज का ट्वीट भी हमने देखा उसको लेकर भी ये नाराजगी जो है ओम प्रकाश राजभर में आज भी बनी हुई, तो क्या रामाचल जो ओम प्रकाश राजभर की जो कमी है वो पूरा कर पाएंगे? जिस तरह से बड़ा वोट बैंक पर ओम प्रकाश राजभर का माना जाता है कि पकड़ काफी मजबूत है। जी, आने वाले हम दिनों में देख सकते हैं कि इसी के तहत अभी कुछ दिनों पहले बहुजन समाज पार्टी से दो बड़े चेहरे निकाले गए, वो भी लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं किसी बड़ी पार्टी में वो जल्दी ही ज्वाइन करेंगे। उसमें एक रामाचल राजभर है जो कि बड़ा चेहरा माने जाते हैं, अंबेडकर नगर से हैं, वो भी पूर्वांचल का क्षेत्र है, और अनिल राजभर को पहले ही पार्टी ने जो है बलिया से अनिल राजभर आते हैं, बलिया भी पूर्वांचल का क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं जो ये पूरी कवायद है पार्टी लगातार कोशिश करेगी कि जो नुकसान रामाचल राजभर के जाने के बाद से अगर पार्टी को अगर कुछ नुकसान होता तो उस नुकसान की किस तरीके से भरपाई की जाए। तो कहीं ना कहीं रामाचल राजभर जिस तरीके से इनको बसपा से निकाला गया है तो ये भी लगे हुए हैं कहीं ना कहीं पार्टी में जो है अपने अपनी गोटियां फिट करने में कि किसी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें, तो ये आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से पार्टी इन मुश्किलों से उभरती है। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ संगठन में भी कई बड़े फेरबदल की जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, लगातार इस तरह की खबरें हम लगातार चला रहे हैं, तो संगठन में बदलाव को लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है कि किस बड़े स्तर पर बदलाव होने वाले हैं? जी देखिए, एक बात तो तय हो चुकी है, ये पिछले हफ्ते ही तय हो चुकी थी कि जो पार्टी चुनाव लड़ेगी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे ही चुनाव लड़ेगी, और स्वतंत्र देव सिंह और योगी आदित्यनाथ का ये जो गठजोड़ है यही पार्टी नेतृत्व को लेकर आगे बढ़ेगा। और लेकिन एक बात और दिलचस्प बात आज की मुलाकात के बाद जो सामने आ रही हुई आ रही है कि डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य है इनका कद बढ़ाया जाएगा, तो जाहिर तौर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अगर संगठन में कद बढ़ाया जाता तो चूंकि पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं तो आने दिनों में हम लोगों को जाहिर तौर पे जो है पार्टी और संगठन में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में पार्टी पूरी तैयारी के साथ जाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इस वजह से जो है जिस तरह से हम राजनीति भी देख रहे हैं बीजेपी की, अगर हम नजर डालें तो पिछले चुनावों में तो कोई मेन चेहरा लेकर आज तक बीजेपी किसी भी राज्य में नहीं उतरी है, तो अगर हम ये मान सकते हैं कि इस बार 2022 के चुनाव की जो चेहरा होने वाला है वो सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे, क्योंकि लगातार जहां पर भी चुनाव लड़े गए अभी भी 5 राज्यों में चुनाव हुए जहां पर मोदी का चेहरा ही सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नजर आते थे, और हर बार इस बार के पिछले बार के जो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुए विधानसभा के उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही लड़ा गया था, तो क्या इस बार ये बड़ा फेरबदल ये हो सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का चेहरा लेकर आ सकते हैं बीजेपी? जी बिल्कुल कीर्ति, देखिए एक बात इस पे ध्यान देने वाली है कि इस बार जो है ये पार्टी पहले ही तय कर चुकी है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश का चुनाव। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि वो सरकार के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री हैं, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो वो तो चेहरे में रहेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है हिंदुत्व, तो उस पर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से फिट बैठते हैं, तो इस वजह से पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि पार्टी जो है इनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, साथ ही साथ टिकट बंटवारा भी वो पोर्टफोलियो देख के और फीडबैक लेके पब्लिक से और अधिकारियों से, संगठन के लोगों से, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा और टिकट पे भी अंतिम मुहर योगी आदित्यनाथ ही लगाएंगे, ये बात पहले ही क्लियर हो चुकी है। तो जाहिर तौर पे योगी आदित्यनाथ ये बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि अभी तक जैसा आपने कहा कि कई 5 राज्यों में चुनाव हुआ वहां पे कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, लेकिन चूंकि यहां पे भारतीय जनता पार्टी अभी भी सत्ता में है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर तौर पे योगी आदित्यनाथ के कामों को लेकर ही जो है पार्टी जो है आगामी जो लोक विधानसभा चुनाव में जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार आप नजरें बनाए रखिए कि किन बिंदुओं को लेकर चर्चा हो रही है, क्या कुछ हो सकता है 2022 को, चुनाव को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं।
कल सीएम योगी आदित्यनाथ अमित शाह से मिले थे, उसके बाद आज एक घंटे से अधिक की मीटिंग चली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, उसके बाद आप जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, तो लगातार 2022 के चुनाव में साधने की कवायद शुरू है, राजनीतिक समीकरण बैठाए जा रहे हैं, वहीं सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार में कौन से वो बड़े चेहरे होंगे जिन्हें जगह मिल सकती है, संगठन में बदलाव किस हद तक हो सकता है, साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग के लोगों को साधने की जो कोशिश की जा रही है उसको लेकर किस तरह से जो चीजें सामने आ सकती है, अचल राष्ट्रभर के नेतृत्व में क्या चुनाव पश्चिमी माफ कीजिएगा जो पूर्वांचल क्षेत्र है वहां पर समीकरण साधने की कोशिश की जा सकती है, इसी के साथ ही साथ अनुप्रिया पटेल के पति को भी जगह देने की बात सामने आ रही है, तो ये तमाम कयास और ये तमाम चीजें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। वहीं अगली बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से इस वक्त की सामने आ रही है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र